दिल्ली में सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। राजधानी दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच गठजोड़ के बाद दिल्ली के लिए मंगलवार को आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक बुलाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर बैठक होगी। इसमें दिल्ली और हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए भावी उम्मीदवारों के नामों का चयन होगा। सूत्रों की माने तो बैठक में नाम फाइनल होने के बाद ही इनकी घोषणा की जाएगी। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट, सूत्रों की माने तो छतरपुर से विधानसभा सीट पर लगातार दो बार से विधायक करतार सिंह तंवर और बदरपुर से दो बार रहे विधायक राम सिंह नेताजी का नाम इस सीट पर सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा आपकी टिकट पर साल 2015 से तुगलकाबाद विधानसभा से दो बार के विधायक सहीराम पहलवान का नाम भी चर्चा में है। वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं महाबल मिश्रा। साल 2009 में महाबल मिश्रा इस सीट पर कांग्रेस से सांसद भी रह चुके हैं। इसके अलावा उनके विनय मिश्रा इस लोकसभा की द्वारका विधानसभा से आपके विधायक भी हैं। साल 2022 में महाबल मिश्रा ने कांग्रेस छोड़ आपका दामन थामा था। तब से ही इस बात कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले लोकसभा चुनाव के महाबल मिश्रा वेस्ट दिल्ली लोकसभा से आपकी तरफ से हाथ आजमाएंगे। पूर्वी दिल्ली सीट पर प्रमुख नाम पार्टी के वरिष्ठ नेता और आंदोलन के वक्त से पार्टी से जुड़े और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय का नाम सबसे आगे है। इसके अलावा कोंडली से विधायक कुलदीप कुमार, लक्ष्मी नगर से पूर्व विधायक नितिन त्यागी और एमसीडी के सह प्रभारी दीपक सिंगला का नाम भी चर्चाओं में है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की विधानसभा सीट भी नई दिल्ली है। साथ कई वीआईपी भी इस लोकसभा सीट के लिए मतदान करते हैं। नई दिल्ली लोकसभा सीट पर जो नाम संभावितों में चर्चा में है उनमें से एक नाम मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती का है। डॉट सोमनाथ भारती कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।